अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी पिंक फ्लावर का, जो आप देख सकते हैं एक फ्लावर, उसको बताऊंगी। मैंने पहले वीडियो में वॉलेट फ्लावर बताया था, तो ये कलर देख लीजिए, एक पिंक कलर है और एक रेड कलर है, और 5 नंबर का फ्लैट ब्रश है, और जो बारीक फ्लावर बनेगा उसके लिए 2 नंबर फ्लैट ब्रश है। तो आपको कलर मैंने बता दिया है, और ये दोनों कलर के साथ, रेड एंड पिंक कलर के साथ हम वाइट का भी यूज़ करेंगे, और बीच के लिए हमने लिया है येलो और डीप ग्रीन। तो ये सब कलर से हम फ्लावर में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हमने जो सर्कल बनाया है पहले उसको शेप देंगे, ताकि एक एक पंखुड़ी बनाने में हमें जब बनाते हैं तो सर्कल हमारा मतलब क्लियर नहीं बनता है, तो पहले हम उसको सर्कल को मतलब आउटलाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से देखिए कलर फील करेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे रेड लिया, देखिए बिल्कुल जो फ्लावर की पंखुड़ी है उसके साइड साइड से, किनारे से, अंदरूनी हिस्से में, यहाँ से देखिए अंदर अंदर साइड जो रहेगा यहाँ से शेड लगाएंगे, और ऊपर की तरफ पिंक कलर में इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा दोनों शेड हो चुका है, अब हम इसमें वाइट शेड लगाएंगे, और बिल्कुल कॉर्नर पर कलर उठाना है, ये देखिए इस तरह से, और जो ऊपर इस तरह से पंखुड़ी का शेप रहेगा उसमें हम इस तरह से कॉर्नर पे जो वाइट कलर लिया है उसको पहले जो शेप रहेगा उसको दे लेंगे। देखिए इस तरह से वाइट कलर हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि वाइट कलर से जो हमारा शेड बनेगा इसमें बहुत कम दिखता है, क्योंकि रेड पिंक में कलर हमारा वाइट जो है छिप जाता है, तो हम ज़्यादा थोड़ा कलर लेंगे। और इस तरह से देखिए पूरा कलर, जो भी जितनी भी जगह हमारी ऊपर की बची रहेगी उसमें हम वाइट कलर लगाने के बाद इस तरह से देखिए दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये ब्लेंड हो गया। अब इसमें हम इसको बारीक बारीक इस तरह से शेड बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह भी आराम से बना पाएंगे। थोड़ा मुश्किल है बनाना, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, फिर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बना लेंगे। अगर आप प्रिंटिंग करने में से हैं तो एक दो बार बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी बनाने में, अगर आप प्रिंटिंग करते हैं तो। और अगर आप प्रिंटिंग नहीं करते हैं, प्रैक्टिस पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस तरह से बना रहे हैं, तो आपको बनाने में थोड़ी परेशानी होगी, तो उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है और किसी चीज़ को बनाना चाहता है, उसे पाना चाहता है, तो उसे पाकर ही रहता है, जब कोशिश करता है तो उसे पा ही लेता है। तो जब आप भी मेहनत करेंगे, सीखना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश करने पर ज़रूर सीख पाएंगे। तो इस तरह से हम इस दूसरी पंखुड़ी भी बनाएंगे फ्रेंड्स, जैसा हमने एक पंखुड़ी आपको बना के दिखाई है। और यहाँ पे आप हमारे ब्रश वगैरह जो है उसको ध्यान से देखिए, किस तरह से हम ब्रश को चलाते हैं, घुमाते हैं, ये सब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जब भी आप पेंटिंग करें, वीडियो को देख देख के थोड़ी सी देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद बनाएं, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी बनाने में, बहुत ईजी हो जाएगा बनाने में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारे शेड हो जाएंगे, और बहुत आराम से जो है पंखुड़ी बन जाती है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमने ऑफ़र मतलब रखा हुआ है, और 3 बेडशीट हम आपको देने वाले हैं फ्री में। हमारे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी 5 लाख करवाइए आप, और हमारे व्यूज़ बहुत कम आते हैं फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जब हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि हम जल्द से जल्द लकी ड्रॉ कर सकें, और जिसका भी नाम आएगा, 3 विनर होंगे, और जिसका भी नाम आएगा उसको मिलेगी फ्री में बेडशीट गिफ्ट। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और अगर नहीं किए हैं तो ख़ुद भी करें, और अगर आप भी लकी विनर हो सकते हैं, 3 लोगों का नाम चुना जाएगा, हमने आपसे पहले भी कहा था 3 लोगों का नाम चुना जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि नाम उसी में चुना जाएगा। 5 लाख सब्सक्राइबर होने पर हम किसी भी वीडियो में लकी ड्रा कर सकते हैं, तो आप कमेंट करें इंस्टाग्राम पे, हमें फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे। मेरे यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करें। एक बार नगर से रुखसाना है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में से हैं, माशाल्लाह वो मेरे हर वीडियोस को देखते हैं, कमेंट भी करती हैं, और ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करती हैं, और उन्होंने हमारे चैनल को ना जाने कितने लोगों से सब्सक्राइब भी करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना, अगर आप हमारे वीडियो को देख रही हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हो, आप मेरी वीडियो को इतना मतलब शेयर किए, मेरे चैनल को इतने लोगों से सब्सक्राइब करें, उसके लिए थैंक यू सो मच।
आप सबका ही सपोर्ट है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप सबसे उम्मीद है कि आप सब हमें और आगे लेके जाएंगे। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं थी, ये सब मैंने YouTube पर अपलोड किया, आप लोगों ने देखा, उसे आगे बढ़ाया, और आप लोग उसमें से अब सीखते हैं और मुझको सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, जिन्होंने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, सबको शुक्रिया, सबको शुक्रिया। सब YouTube फैमिली में से सब बहुत अच्छे हैं। बहुत लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ भी होती है कि मैं उनकी वीडियो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत फ्री नहीं रहती हूँ। मेरी दो बेटियाँ हैं, एक बेटी तो थोड़ी समझदार है लेकिन एक समझदार नहीं है। जब भी मैं मोबाइल लेती हूँ मुझको लेने ही नहीं देती है हाथ में, और हमेशा ले लेती है देखने के लिए, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और बहुत सारे फ्रेंड्स का रिप्लाई भी करती हूँ, और बहुत लोगों का नहीं कर पाती हूँ। जब मैसेज नहीं देख पाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, और टाइम लग जाता है देने में, 2-3 दिन इस तरह से लग जाता है, तो रिप्लाई करती हूँ, थोड़ा लेट करती हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि आप लोग को मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं आप सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो फ्रेंड्स उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा आप सब। और अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी दूर कर लीजिए, क्योंकि मुझसे नाराज़गी मत रखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझसे नाराज़ हो, तो उसके लिए मैं फिर से सॉरी एक बार फिर से कहूँगी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, और आपके व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज करते हैं उसका भी रिप्लाई करूँ। कोशिश मैं करती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ, मैं बोलती हूँ ना, मेरी छोटी बेटी मुझको बहुत परेशान करती है। मोबाइल मुझको जब मैं लेती हूँ तो तुरंत वो भी मांग ले, उसी वक्त उसको चाहिए मोबाइल, बस ले लेती है हाथ से, तो इस वजह से मैं कुछ भी मोबाइल में अपने ना कमेंट में मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, ना व्हाट्सअप कर पाती हूँ, बहुत कम ही। वीडियो भी बहुत मुश्किल से अपलोड करती हूँ, आप सब देखते होंगे कि वीडियो भी मैं बहुत लेट अपलोड करती हूँ। जब मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाती हूँ तो अपलोड कहाँ से करूँगी, इस वजह से टाइम लग जाता है। और अभी भी वो मांग ही रही थी मोबाइल, लेकिन क्या करूँ, रुला धुला के उसे छीन के उसको बहका के दूसरी तरफ भेज के फिर उसके बाद वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने आपसे सॉरी कहा, और आप उम्मीद करती हूँ आप सब हमें माफ़ करेंगे, समझेंगे, और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे जाएंगे, और हमारी वीडियो को कम से कम आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर देखा करिए। जो आपको लगे कि ज़रूरी है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप देखेंगे तो थोड़ा हमें भी टाइम हमारे वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, और आप देखेंगे तो अगर आप सीख रहे हैं तो आपको भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी उससे कि क्या आपने सीखा, क्या किया उसमें, क्या कैसे बताया गया है, आपको सब डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लावर है वो पूरा हो चुका है, पिंक कलर का फ्लावर जो हमने बनाया, आपको रेड दिख रहा होगा लेकिन ये रेड नहीं है, डार्क शेड ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें पिंक कलर का शेड दिए हैं, बहुत हल्का सा नीचे की तरफ से रेड कलर का शेड दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, आप सामने से करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो आप काफ़ी अब देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लग रहा है। बेडशीट तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ इसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, और जो बनाई हुई हूँ उसको एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसे में टाइम थोड़ा जा रहा है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखाऊँ और बताऊँ ताकि आपको भी समझ में आए। और फ्रेंड्स हमारे फ्लावर लगभग तैयार हैं, अब हम आपको बारीक फ्लावर बनाना बताएँगे। सबसे पहले इसका बीच वाला पार्ट आपको बना के दिखा देते हैं किस तरह से बनाना है। यहाँ पे हमने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिससे हम यहाँ पे बीच का पार्ट जो है उसको हल्का सर्कल जो हमारा है उसको हम इस तरह से लेमन येलो से फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लेमन येलो लिया है, आप देख सकते हैं, लेमन येलो के साथ हमने डीप ग्रीन लिया हुआ है, डीप ग्रीन बोलेंगे तो आपको शॉप पर मिल जाएगा, और देखिए बिल्कुल कॉर्नर पर लेना है, फ्लैट ब्रश के कॉर्नर पर हमें कलर थोड़ा सा लेना है, और इस तरह से सर्कल के किनारे किनारे पर इस तरह से जो है हमें कलर को लगा देना, और नीचे का जो शेप रहेगा पंखुड़ियों का उस शेप से हमें लगाना है, और जिसे देखिए इस तरह से, तो ये हो गया। अब हमें इसमें वाइट कलर से इसमें डॉट डॉट करना है,
छोटे छोटे इसमें देखिए छोटी छोटी बहुत हल्के हल्के से रहते हैं, उसको इस तरह से डॉट डॉट करके हम बनाएंगे। पहले जो किनारे किनारे हम इस तरह से छोटा छोटा डॉट बना लेंगे। इस तरह से जब हमारा डॉट पूरा बन जाएगा, यहाँ से नीचे से भी बना लेते हैं। देखिए हो गया। अब इसमें से हम नीचे नीचे हल्का हल्का उसमें से नीचे की तरफ उसमें से खींच देंगे, इस तरह से बहुत हल्का हल्का खींचना रहेगा। और ये देखिए हमारे बीच वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। ठीक है, अब हम आपको बारीक फ्लावर बनाएंगे। जो घना फ्लावर रहता है, बारीक बारीक छोटे छोटे फ्लावर रहते हैं, उस तरह का फ्लावर आपको बना के दिखाते हैं। वो भी बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग। तो चलिए हम आपको बनाते दिखाते हैं। कलर देख लीजिए आप, कलर को आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कलर समझ में आ जाए। हम इसके लिए तीन कलर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पर्पल कलर है, एक ब्लू कलर है और तीसरा वाइट कलर है। तीन कलर से हम इस तरह से बनाएंगे फ्लावर को। चलो हम आपको करके पहले दिखाएंगे किस तरह से इसे करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारे हमने इसे बनाया हुआ है उसको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। सबसे पहले पर्पल कलर लगा लेंगे और पूरा आराम आराम से जो भी हमने लीफ फ्लावर जो भी बनाए हैं उसको बचाते हुए इस तरह से हमें कलर को फिल करना है। और यहाँ पे हमने आपको 5 नंबर का फ्लैट ब्रश लेना है और उसी से फिल करना है, जिससे आपको आसानी से आपका बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, यानी कि कलर पूरा अच्छे से भर जाएगा। और आप बारीक ब्रश लेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, और मतलब परेशानी नहीं होगी, भरने में तो आराम रहता है, लेकिन क्या है कि आपको बहुत धीरे धीरे होगा कलर, बहुत लेट फील होगा। और ये फ्लैट ब्रश 5 नंबर का जो फ्लैट ब्रश है, इससे भरेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा और आराम से फील हो जाएगा, भरा जाएगा जल्दी से। देखिए जो भी हमारी फ्लावर की पंखुड़ी रहेगी उसको बचाते हुए हम फ्लावर की पंखुड़ी लीफ जो भी रहेगा उसको हम बचाते हुए पहले कलर को पूरा फील कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा जो है फील हो जाएगा। और ये बनने के बाद माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है, इससे तो डिज़ाइन की खूबसूरती ही बढ़ जाती है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कितना अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे हमारे जो कलर है हमने फिल कर लिया है, देखिए संभाल संभाल के हमने कलर जो है लगा लिया है। पर्पल कलर काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन मेरी इस मोबाइल में जो है कलर जो है उतना अच्छा नहीं दिखता है जितना कि अच्छा सामने से दिखता है। ठीक है, और इसके लिए कलर जैसे जो है कलर इसमें लगा हुआ, जो पर्पल कलर हमने लगाया है वो सामने से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वीडियो में उतना प्यारा नहीं लग रहा है जैसा दिखना चाहिए। और यहाँ पे ब्लू कलर हमने थोड़ा थोड़ा करके लगाया, आप देख सकते हैं दो जगह पे ब्लू कलर का लगाया है थोड़ा थोड़ा करके। उसको लगाने के बाद आप अच्छे से उसको ब्लेंड करें, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको अच्छे से ब्लेंड करके मिक्स कर लें। अब बारी है वाइट कलर की, तो हमें 2 नंबर का इसमें फ्लैट ब्रश लेना है। छोटे छोटे फ्लावर बनाने के लिए 2 नंबर ब्रश का यूज़ करेंगे हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉर्नर पे हमने थोड़ा सा पर्पल कलर लिया, इसलिए कि जब हम बनाएं तो जो है हमारा फ्लावर का शेड अच्छा बने। और इसको थोड़ा सा हम प्लेट पे मिला लेंगे, मिलाने के बाद तब फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक एक पंखुड़ी, इस तरह से 5 पंखुड़ी का, 6 पंखुड़ी का, 4 पंखुड़ी का, इस तरह से आप फ्लावर ये बना सकते हैं। और ये बहुत ही बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे दिखते हैं। तो देखिए इस तरह से, और बिल्कुल कॉर्नर पे ही कलर लेना है और उसको ब्लेंड करके इस तरह से लगाना है। जब आप इस तरह से आप लगाएंगे तो आपकी जो पंखुड़ियाँ हैं छोटी छोटी वो अच्छी बनेंगी और आपकी जो फ्लावर जो बनेंगे उसमें फिनिशिंग आएगी और बहुत ही प्यारे दिखेंगे। थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन बहुत ही प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगती है डिज़ाइन बनाने के बाद, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इस तरह से हमें फ्लावर फ्लावर करके बना लेना है जब हमारी जगह पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो भी खाली जगह बचेगी इसमें उसमें एक एक पंखुड़ी करके हम लगाएंगे। पहले इस तरह से सारे फ्लावर बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से आपको उसमें पूरा उसको फिल करना है।
काफ़ी इसको संभाल संभाल के बनाना पड़ता है और समझ समझ के, और बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ख़ूबसूरत दिखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें हमने वाइट कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर लगा लिया है, और पीछे से हम इसमें लेमन येलो कलर का भी यूज़ करेंगे बीच वाला पार्ट बनाने के लिए, जैसा हमने फ्लावर में बनाया है लेमन येलो लगाया है बीच पार्ट में, उसी तरह से इसमें भी फ्लावर में जो छोटा छोटा फ्लावर है उसमें बीच में डॉट डॉट करके लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये सब फ्लावर पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से जो भी हमारी खाली जगह बचेगी उसमें हम इस तरह से एक 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 करके पंखुड़ी बना देंगे, जिससे हमारा हमारा जो फ्लावर है जो छिरछिरा दिखेगा, जो अलग अलग दिखेगा वो एक दूसरे में मिल जाएगा और अच्छा दिखेगा जब एक एक पंखुड़ी बनाने के बाद। तो इस तरह जहाँ पर हमारी जगह खाली रहेगी वहाँ पर एक एक पंखुड़ी इस तरह से हम बनाते जाएंगे, जहाँ पर दो पंखुड़ी बनेगी बनने लायक रहेगा जगह खाली रहेगी वहाँ पर दो पंखुड़ी बनाएंगे, और जहाँ पर एक पंखुड़ी की जगह रहेगी वहाँ पर एक पंखुड़ी बना डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो जगह है बिल्कुल फील हो जाएगी, एकदम भर जाएगी पूरी अच्छी से, तो डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो से पे फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे व्यूज़ जो हैं वो फिर से आने लगें। मैंने काम थोड़ा लेट कर दिया था और वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरी वीडियोस चल भी नहीं रही है और बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और पहले जैसे जैसे सब पहले देखते थे उस तरह से देखें, और जो आपको चाहिए जो देखना है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी और आपको बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी वो चीज़ें बना के आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप जो सीखना चाहते हैं वो बना पाएँ और सीख पाएँ। और जो मुझे अगर आप जो मुझसे बोलते हैं अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे बता दूंगी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, और जो मुझे आएगा वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने लिया है लेमन येलो, और यहाँ पे 4 नंबर का पेन ब्रश है, 2 नंबर का भी पेन ब्रश ले सकते हैं, 4 नंबर जो भी रहेगा आपके पास पेन ब्रश उससे इस तरह से छोटा छोटा डॉट डॉट करके सारे फ्लावर के बीच वाले पोर्शन में लगा देना है, देखो इस तरह से। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लुक जो है आ गया है हमारे फ्लावर में, डिज़ाइन में हमारे कितना अच्छा लुक आ गया है आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह जिस दिन मैं आप ये बेडशीट तैयार कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मुझको ही बनाना है बेडशीट, किसी और की नहीं है, मेरी ही बेडशीट है, मैंने घर के लिए बनाई थी, तो लेकिन काम की वजह से मैं इसको जो है कम्प्लीट नहीं कर पा रही हूँ, ऑर्डर मिल जाते हैं तो मैं वो काम करने लगती हूँ और इस वजह से मेरा ये काम नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर हमारा बन चुका है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।